आमदीद और हम किचन में आ गई। ये जो है मूड को थोड़ा लाइटर नोट पे ले जाने की कोशिश कर रही है मेरी प्यारी शेफ अरूज। आई गेस लवली शेफ अरूज। अच्छा आज तो मैं पूछ ही नहीं सकती है क्या बनेगा क्योंकि कल आपने बता दिया था क्या बनेगा। घर में बैठे लोग जरा गेस करें क्या बनना है आज। ये 1 2 3 यस राइट, जिसने सही बोला उसका राइट, जिसने गलत बोला रॉन्ग। आज बन रहा है, आज बन रहे हैं खाउसवे। खाउसवे तो खाउसवे इज अ राइट प्रोनाउंसिएशन, इट्स नॉट खाउसे। खाउसे नहीं होता, खाउसवे होता है क्योंकि बर्मीज डिश है। मगर इसको बिकॉज बहुत सारे मेमन लोग रहते थे इन बर्मा तो उन्होंने इसको अडॉप्ट कर लिया एंड इट बिकेम देयर्स। बाय द वे हाथ धोया करें लाइफ बॉय से बिफोर यू स्टार्ट कुकिंग एनीथिंग। ऑब्वियसली जल्दी से बाय द वे वो क्या कहते हैं साबुन जो होता है ना, इट्स क्लीन योर हैंड्स रियली रियली वेल। 99.99% जर्म्स जो हैं वो आपके चले जाएंगे। टिश्यू आप ले लें। और कितनी क्यूट सी बॉटल है, वेरी नाइस, है ना, जबरदस्त। 99.9% जर्म प्रोटेक्शन है जी। लाइफ बॉय का हैंड वॉश इस्तेमाल करें और अब आ जाएं खाने की तरफ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, दुरूद शरीफ पढ़ें और खाना बनाना शुरू करें। मेरी आजमाई हुई चीज़ है, खाने में बहुत बरकत होती है, खाना खत्म नहीं होता। आप चार कुल पढ़ के दुरूद शरीफ पढ़ के खाना बनाएं, जितने मेहमान आ जाएं भाई खाने में एक नेक्स्ट लेवल बरकत आ जाती है। क्या बात है यार, मतलब दैट्स अ ग्रेट टिप, दैट्स अ ग्रेट किचन टिप बाय द वे, ग्रेट किचन टिप। मेरा किचन जो है वो है डॉलन्स का गेट सेट कुक बाय डॉलन्स। तो मेरे पास बाय द वे जितनी मशीनें लगी हुई हैं यहाँ पर डॉलन्स की हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, बिफोर वी स्टार्ट द काउ, सो लेट्स डू लाइक अ क्विक ड्रिंक टुडे। संडे का दिन है, आप लोगों के पास टाइम बहुत सारा होगा। स्प्रिंग ब्रेक खत्म हो रही है आज, मोस्टली जिन बच्चों की स्प्रिंग ब्रेक थी वो आज खत्म हो रही है और हम यूनिफॉर्म्स को साफ कर लें वापस। अच्छा मेरी बच्ची का तो भाई यूनिफॉर्म नहीं है, वो एक टी शर्ट है, कलरफुल सी, तीन चार टी शर्ट है, उसमें से शी कैन वेयर एनीथिंग, कुछ भी पहन सकती है, नो वरीज अबाउट यूनिफॉर्म। ओके हम लोग एक बहुत ये गेस करो, आप भी गेस करें और राबिया भी गेस करेंगी। कौन सा है इसमें, बीटरूट है, चुकंदर और गाजर, एबीसी एबीसी एप्पल बीटरूट कैरेट जूस एबीसी। तो आपको किस बेसिकली एप्पल बीटरूट कैरेट जो होता है आपको किस तरह पसंद है ज्यादा पीना, like how do you like it? मतलब वो थोड़ा छना हुआ हो मोस्टली, ये हाँ छना हुआ जूस। तो अगर आप ये वाली मशीन यूज करेंगी तो इससे छना हुआ ही निकलेगा, छना हुआ निकलेगा। ओह जबरदस्त, ओह वंडरफुल, दिस इज द डॉलन्स मशीन, ये डॉलन्स का जूसर है। चलिए आप इसमें, अगर आप यू कैन पुट इट यहाँ पे और मैं मेहनत कर लेती हूँ जल्दी। अच्छा इसका ये वाला नॉच बस ये देख लो। अच्छा ये इधर आना चाहिए, सही है ना, प्रेस 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 जोरे बाजू। ओ जबरदस्त, वेरी नाइस एंड वेरी क्विक, वेरी क्विक, वेरी नाइस, वेरी इजी। जरूर ये घर पे आप मशीन अच्छा, इस्तेमाल करें। एप्पल बीटरूट कैरेट जूस के फवायद इतने ज्यादा हैं, सो गुड फॉर इम्यूनिटी, स्किन के लिए भाई। अगर आपको ईद तक चाहिए एक किलो ग्लो चाहिए चेहरे पर, और अभी बाय द वे ये तीनों चीजें बाजार में मुयस्सर हैं मिलने, प्रेस करें, प्रेस डाउन, जबरदस्त। राबिया अनम के हमने डोलों की ताकत बहुत मजबूती है इसमें, ये हम करते रहेंगे। ठीक है ठीक है, बेसिकली एप्पल बीटरूट कैरेट इक्वल क्वांटिटीज में, अगर आपको इक्वल क्वांटिटी में नहीं करना है तो भी सही है, आ जाओ राबिया। और अगर एबीसी जूस नहीं भी, आप सिर्फ चुकंदर का ही जूस मुश्किल होता है पीना, लेकिन अगर आप एक हफ्ता पिए ये जो ब्लश ऑन है लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना बेहतरीन लुक आती है चुकंदर के जूस से। मेरी भाभी हैं, हर कोई रुक कर कहता था भाई ये नादिया भाभी की स्किन का क्या राज है, वो चुकंदर का जूस बना के रोज़ पीती थी एक ग्लास, और उनके जो ये ब्लश ऑन वाली ये जो जगह है ये बिल्कुल पिंक थी नेचुरली, अभी भी है। सो वो चुकंदर का कमाल है, बल्कि चुकंदर स्किन पे लगा भी सकते हैं हम डायरेक्टली। ज़रा आज हम डॉक्टर बिल्कीस से पूछेंगे कि चुकंदर के क्या क्या फ़वाद हैं। चुकंदर इज अमेजिंग, अमेजिंग फॉर हेल्थ, आई मीन यू नो बहुत ही जबरदस्त किस्म का, अच्छी खुशबू है इसकी। मैं तुम्हारे लिए फ्रेश बना के अभी तुम्हारे रूम में डन सीन, मैं अफ्तारी इसी से करूंगी, मैं तुम्हें तुम्हारे मेकअप रूम में रखा। आजकल मैंने बिल्कुल सोचा हुआ है मैं वो चीनी वाले मशरूबात नहीं पी रही बिल्कुल। अच्छा यहाँ पर है बाय द वे मेरे पास कढ़ाई के अंदर मैंने डाला है डालडा कुकिंग ऑयल, ये प्याज है, प्याज कटे हुए हैं चॉप, इनको मैं डाल रही हूँ। और ट्रांसलूसेंट बाय द वे अगर कोई भी देख रहा है और कोई भी सोच रहा है तो ये मेमणी खाउसवे नहीं है, ये बर्मीज खाउसवे हैं। यस मेरी शादी मेमनों में हुई हुई है मगर मुझे मेमणी खाउसवे नहीं बनाने आते, ना पसंद है। अच्छा क्या फर्क है दोनों में, पसंद नहीं, क्या बोल दिया कि मेमणी खाउसवे नहीं पसंद, आई डोंट लाइक देम, मुझे नहीं पसंद है, मुझे थोड़े से ऑफ लगते हैं। अरूज के मियां सुन रहे हो,
मियाँ से ज्यादा सास सासू माँ सुन रही हैं। सास वो कहेंगे हाय अल्लाह, क्यों हमारे घर में जब से मेरी शादी हो के मैं आई हूँ तो द कुक डजंट मेक हाउस वे बिकॉज़ आई ही मेड इट वंस एंड आई कुडंट ईट इट नाउ, इज लाइक नहीं बस अब नहीं बनाऊंगा। ये आखिरी पहली और आखिरी बहु होना जो उसके शेफ हो कितनी बड़ी मुसीबत है, हर चीज में वो कहे मजा नहीं आया, अच्छा नहीं था, अच्छा नाक मूंछड़, वैसे बहु बदनाम है नाक मूंछ चढ़ाने वाली शेफ बहु तो बड़ी मुश्किल बात है। अच्छा जैसे ही प्याज ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट की तरफ जाने लगे, थोड़ा सा सॉफ्ट आपको दिखने लगे, तो इसमें हम डालेंगे चिकन, कड़ी पत्ता, ये है करी पाउडर। अगर आप करी पाउडर नहीं डालना चाहते तो मैं आपको और घर पे बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर थोड़ा सा होता है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इसमें होता है टर्मरिक, रेड चिली, इसके अंदर होता है कोरिएंडर यानी के सूखा धनिया, धनिया, जीरा, और इसके अंदर थोड़ा सा अजवाइन होता है। तो अगर करी अच्छा। पाउडर घर पे बनाना है तो ये बेसिकली मसाले जो हैं वो भी आप इसे में डाल सकते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त, ठीक है, या आप एक साथ बना के यकजान कर लें, यकजान कर लें। ओके, सो हम ट्रांसलूसेंट कर लेंगे प्याज को और फिर हम बोनलेस चिकन, बहुत छोटे पीसेस हैं चिकन के विच इज नाइस, तो जल्दी पक जाएगा ये। ये मेरा फेवरेट आइटम है, कड़ी पत्ता। ओ हो, मेरे घर में लगा हुआ इसका, आई लव, आई थिंक हर किसी घर में करी पत्ते का तो पौधा होना चाहिए। और बाय द वे मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, कराची में तो ये काफी होता है, पंजाब की साइड पे थोड़ा सा मुश्किल से मिलता है, तो हमारे जितने भी बहन भाई हमें पंजाब की साइड में देख रहे हैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी लगा सकते हैं, मेरी बहुत सारे फैमिली मेंबर्स यहाँ से लेके गए हैं और अच्छा और सक्सेसफुली प्लांट, जबरदस्त। पंजाब में तो आई थिंक हार्डली कोई चीज है जो ना ग्रो करती हो, वहाँ पे हरियाली भी के वाले भी लगा सकते हैं, पंजाब वाले भी लगा सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कलर देने के लिए थोड़ा सा, अगर आप पंजाब में पपीता नहीं उगता, उग जाता है ये हमारे ठंडी साहब फरमा रहे हैं, ठंडी जगहों पे नहीं उगता है, मतलब इस्लामाबाद में नहीं उगेगा, लाहौर में पोटेंशियल है, पोटेंशियल है। ओके अच्छा, दोबारा बता रहे हैं, हमने प्याज चॉप की हुई डाली है, वो ट्रांसलूसेंट हो जाए, हमने चिकन ऐड किया, उसमें करी पाउडर ऐड किया है एंड करी पत्ता, करी पत्ता, और इसको आप सोटे करती रहेंगी फास्ट फास्ट। अच्छा, इसके साथ कहानी ये है कि खाना इसको बॉयल हुए हुए एग नूडल्स के साथ होता है, लवाजमात इसके साथ बहुत सारी होती हैं, यहाँ पर अगर आपने चिली चिप्स खाने हैं, अगर आप उस स्कूल ऑफ थॉट के तो ओके, मगर मैंने मुश्किल है आज की ये चीज़ जो है ना, जब ये यहाँ आ जाएगी डिश आउट और फिर सब्र करना बहुत मुश्किल है। ये है डीप फ्राइड वर्मिसेली, अगर आपने चिली चिप्स डालने हैं इसकी जगह बाय ऑल मींस। अच्छा, ये वो है सवैया को डीप फ्राई किया है, डीप फ्राई कर लो, जबरदस्त क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाते हैं। ओ भाई, सबसे पहले तो हैट्स ऑफ टू यू फॉर द नाचोस यू मेड, हां ब्रिलियंट, हमने वही खाए कल अफ्तार में और बहुत जबरदस्त। तुमने चिकन भी खाया? चिकन भी खाया, लेकिन जो नाचोस थे ना वो बहुत ही आला नाचोस आपने बनाए थे। नहीं नहीं यार, क्या हो गया, उसकी सावर क्रीम और सालसा वाज ऑन पॉइंट, शेफ जलाल ने भी बहुत तारीफ की, डॉक्टर बिल्कीस ने भी बहुत तारीफ की। अच्छा जबरदस्त यार। अच्छा, ये आपने अभी तक ये वही यूज किया इसमें? हाँ, अब आई कैन स्टार्ट, यू कैन स्मेल द कड़ी पत्ता। हाँ हाँ, ठीक है, जब खुशबू आने लगे, ये है कोकोनट मिल्क। ओ ठीक है, सो वी आर गोना पुट लॉट्स ऑफ इट, क्योंकि जो शोरबा है वो इसी का बनेगा, ग्रेवी है, ग्रेवी ये है, ग्रेवी, ठीक है। एंड वी हैव एम्प्टीड अबाउट, आप अप्रोक्सीमेटली एक टिन लें कोकोनट मिल्क का। अच्छा, एक और चीज़ जो कि मैं यहाँ पर नहीं कर रही, मगर अगर आप करना चाहते हैं, इवेपोरेटेड मिल्क, अगर आपका इत्तफाक हो सऊदीया वगैरह किसी साइड पे जाने का हुआ है कभी, इवेपोरेटेड मिल्क चाय में डलता है। अच्छा, नॉट कंडेंस्ड मिल्क, मैं मीठे वाले इवेपोरेटेड मिल्क की बात कर रही हूँ, चाय में अक्सर मिलता है, ठीक है। तो इवेपोरेटेड मिल्क, उसको उसका ब्रांड का नाम किसी वो बड़े होटल के बुफे में जाएं ब्रेकफास्ट के लिए तो वहाँ पड़ा होता है, एग्जैक्टली वही वाला। अच्छा, अगर गांव देहातों में भी लोग इस वक्त देख रहे हैं कहीं पर कोकोनट मिल्क अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या करें? अगर गांव देहात में देख रहे हैं और कोकोनट मिल्क नहीं है तो फिर आप इसको रिप्लेस कर लें हाफ क्रीम से, और हाफ ये हाफ यहां पर ऑल पर्पस क्रीम मौजूद है। सैफ, आप क्यों दूर दूर से देख रहे हैं खाना पकाने? आ जाओ इधर बैठ जाओ, शाबाश, जल्दी से आ जाओ, आ जाओ। मैं तो बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ मर्द हजरात किचन में आए, बल्कि पकाए भी। आ जाओ सैफ, आओ बल्कि हेल्प करो इधर। हाँ चलो, चमचा चलाओ, चमचा चलाना है, बहुत आसान काम है। हाँ ऑफ कोर्स। अच्छा, सैफ की बेगम देख रही हैं, खुश हो रही हैं कि ये भी होगा, सीख लिया तुमने। सैफ, तुम्हारी शादी नहीं हुई? नहीं, नहीं हुई। ओहो, एक लड़की का रिश्ता दरकार है, जरूरत है रिश्ता का ऐड है, लड़के को खाउस में बनाने आते हैं। नौजवान खूबरू बेहतरीन हेयर स्टाइल बनाता है, खूबसूरत दिखता भी है और खूबसूरत भी है, ये है मिजाज का बेहतरीन है
और खाना भी बहुत अच्छा बनाता है। इतनी तारीफें आपने कर दी हैं। अब एक लड़की दरकार है, किन किन चीजों का आपको शौक है? हाँ, क्या क्या चाहिए बताइए। बाबर इधर है, बाबर भी है, बाबर उनको बुलाएं, उनको भी बुलाएं। बाबर तो अपने फोन में गुम है भाई। अच्छा। इस लड़के की शादी हो गई पता चलता है। अच्छा भाई सैफ, आप बताएं जरा, व्हाट आर योर हॉबीज, आपको क्या पसंद है और कैसी लड़की चाहिए? जल्दी बोलो। इस ट्रांसमिशन के बाद सैफ की शादी करवाएंगे। अल्लाह बिस्मिल्लाह जी बताइए। हॉबीज में आपको पता है साहब, बेसिक फुटबॉल स्पोर्ट्स वगैरह, तो उसमें तो काफी शौक है हमेशा से रहा है, क्योंकि हमारे घर में काफी प्रमोट किया गया हमेशा से कि लाइक ये स्क्रीन वगैरह पे नहीं बैठना, बाहर निकलो खेलो। तो इसी में सर भी फटे हैं और चोटें लगी हैं, इसी तरह बड़े लड़का टफ है, स्ट्रांग है बॉय, सर फटे बोल रहे और गवाना भूल गया, खाना जलने वाला है। ये आज तुम्हारा टेस्ट है बेगम, टेस्ट है। अच्छा और सच सच बुलवाओ, क्योंकि और भाई और स्पोर्ट्स के अलावा, उसके अलावा अभी ये इस फील्ड में ये जो नाते वगैरह है इसमें प्रैक्टिस चल रही है, वोकल प्रैक्टिस है। और क्या चाहिए? अच्छा और स्पोर्ट्स, लड़की कैसी चाहिए भाई, लड़की कैसी चाहिए? ये तो अब गुड लुक्स या फिर कुछ और भी? ये अम्मी पे छोड़ दिया अभी। क्या बात है भाई, सैफ की अम्मा से मैं मिलने जा रही हूँ बहुत जल्द। अभी हम आपके पास आ रहे हैं, देखो ये कह रहे हैं, हम एक बहू ढूंढेंगे प्यारी सी, पढ़ी लिखी, समझदार, नेक बच्ची। अच्छा, इसको बार बार मैं वाटर डाउन कर रही हूँ। जल्दी से बताना चाहती हूँ कि इस गुफ्तगू के दौरान मैंने इसके अंदर चिकन पाउडर डाला था, जिसका जिक्र कल राबिया आलम ने किया था, और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, ठीक है, हसबे जायका, बाबर मिर्च तेज। हम सैफ के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, आपसे बाबर आप कुछ कहना चाहेंगे? भाभी कैसी हो, सैफ कहाँ कहाँ पे सैफ में मसाइल है, गुस्सा ज्यादा आता है या कुछ और मसला, पैसे बहुत खर्च करता है, देर से उठता है? मैं समझता हूँ सैफ की अपनी चॉइस होनी चाहिए। नहीं नहीं, आपको कुछ वो आने वाली लड़की को तो कुछ बताएं कि भाई ये मसले हैं भाई में, देर से उठता है सुबह, ये बताओ अलमारी ठीक नहीं रखता, अंदर की बात, अंदर की बातें भी बताओ ना। मैं तारीफें तो मैंने कर दी, वो जो तारीफें मैंने कर दी, बुराई आप करें। I guess सैफ को जो पसंद आएगी तो सैफ को कोई पसंद है। हाँ, बिल्कुल वो वाली आंटियां नहीं होती, भप्पे कुटनी, बिल्कुल भप्पे कुटनी वाली आंटी, क्या करें? अभी तक शादी क्यों नहीं की बेटा, अभी तो बेटा बच्चों की उम्र है, क्यों खुश हो तुम? शादी करो, शादी करो। अच्छा भाई, अच्छा By the way, ये जो है ये मेरा सबसे फेवरेट कॉन्डिमेंट है, जल्दी से बताना चाहती हूँ कि प्लीज इसको जरूर आप लोग बनाइएगा। ये डीप फ्राइड गार्लिक है, बारीक काटे लहसुन, ठीक है, और उसको डीप फ्राई कर ले चिप्स की तरह। ये क्या क्या बन रहा है? हाउस वे, हाउस वे। अगर सैफ ने आज तक किचन में नहीं स्टेप इन किया, चलो मुबारक। सैफ को किचन में लाने का मकसद ये है कि इसकी शादी करवाओ, इसकी शादी करवाओ, शादी करवाओ, सीरियसली शादी करवा दे सैफ। मतलब कोई अपना बता दो ना यार, मतलब बताएंगे ना जब होगा कुछ। सैफ कहेगा मैंने पसंद की हुई है, मैं क्या बताऊं। सैफ सैफ साइलेंट कह रहे, बताएंगे ना जब कुछ होगा। चुप हो जाए प्लीज, खुदा का वास्ता। इंशाल्लाह 30वें रमजान की ट्रांसमिशन तक हम सैफ के लिए ढूंढेंगे लड़की, और इंशाल्लाह सेट पे करवाएंगे, दूसरे दिन कर रहे होंगे वलीमा, यस सेट पे करवाएंगे शादी। मैं खास अगर 30वें अगर आपने राबिया ढूंढ ली तो बहुत सालों का दिल भी टूट जाएगा। ओह माय गॉड, बाबर तुम्हें कुछ अंदर की बातें बताएं? अब बताओ बताओ। चलो यार, रमजान ट्रांसमिशन में बच्चों का सेगमेंट करो, बहुत बातें हो गई। खाउस में और कुछ बताना है आपने? बस हरा प्याज डाला है, हरा धनिया डाला है, और इसको फिनिश करते हैं हम लोग थोड़े से लेमन जूस के साथ, लेमन जूस और कॉन्डिमेंट्स आपने जो फिर हम एंड में आएंगे आपके पास, तो आप बताइएगा क्या करना है। चले जी सैफ, बैक टू योर ड्यूटी। बहुत अच्छा लग रहा है ना, जबरदस्त है ना, मजेदार है। क्या बात है भाई, आपको पता है सैफ अंकल की शादी नहीं हुई, अब हमें क्या जाओ भाई वहां पे बच्चों को स्टोरी सुनाओ। कैसी लड़की ढूंढें? अच्छी अच्छी लड़की।